हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आईएमबी एजुकेशन। मेरा नाम है मोहित और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 11th की यूनिट 4th प्लांट फिजियोलॉजी के नीट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के अंदर 2019 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पूरी यूनिट के अंदर वो हम करने वाले हैं। अगर हम बात करें तो इस यूनिट के अंदर 5 चैप्टर आते हैं। 5 चैप्टर से 2019 के अंदर टोटल 7 क्वेश्चन आए हैं और 7 के 7 प्योर एनसीईआरटी से आए हैं। एक भी क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी से बाहर नहीं उठाया गया है। सारे के सारे क्वेश्चन प्योर एनसीईआरटी ही हैं। ओके, सबसे पहली बात तो ये है। उसके बाद अगर हम 2018 की बात करें तो 2018 में इन 5 चैप्टर से जो है वो टोटल 6 क्वेश्चन आए हैं। ओके, तो आप ऑन एवरेज ले सकते हो कि इन 5 चैप्टर से 6 to 7 क्वेश्चन जो है वो हर साल आते हैं और दोनों बार, चाहे वो 2018 हो 2019 हो, प्योर एनसीईआरटी ही क्वेश्चंस आए हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 1 से। इस चैप्टर से जो हम पहला ही जो चैप्टर आता है इस यूनिट के अंदर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, यहाँ से केवल एक क्वेश्चन आया है, वो है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ सुगर्स इन फ्लोएम, अपवर्ड, डाउनवर्ड, डाई डायरेक्शनल या नॉन मल्टी डायरेक्शनल। ओके, तो यहाँ पे पूछा गया कि जो शुगर होती है मूवमेंट फ्लोएम के अंदर वो कैसी होती है, अपवर्ड होती है, डाउनवर्ड होती है, बाई डायरेक्शनल होती है। तो प्योर एनसीईआरटी है। अगर हम एनसीईआरटी के अंदर 11.6 हम पढ़ते हैं जहाँ पे हेडिंग दी है फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, वहाँ पे जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे साफ साफ लिखा है एनसीईआरटी में, इन फ्लोएम सैप कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन एनी रिक्वायर्ड डायरेक्शन सो लॉन्ग एज देयर इज ए सोर्स ऑफ शुगर एंड ए सिंक। द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इन द फ्लोएम कैन बी अपवर्ड और डाउनवर्ड, दैट इज बाई डायरेक्शनल। या तो जो फ्लोएम के अंदर जो शुगर की मूवमेंट होती है वो सोर्स और सिंक पे डिपेंड होती है, तो वो अपवर्ड भी हो सकती है और डाउनवर्ड भी हो सकती है, जिसको हम बोलते हैं क्या, बाई डायरेक्शनल। तो प्योर एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बाई डायरेक्शनल इसका आंसर आएगा। ओके, इस यूनिट का 2nd चैप्टर है मिनरल न्यूट्रिशन और यहाँ से भी एक की क्वेश्चन आया है इस चैप्टर से और वो क्वेश्चन आया है द थायोबेसिलस इज ए ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया हेल्पफुल इन कैरिंग आउट। जो थायोबेसिलस होता है बैक्टीरिया वो किस में मदद करता है, पहला है कीमो ऑटोट्रॉपिक फिक्सेशन में, नाइट्री फिक्सेशन में या डी नाइट्री फिक्सेशन में या नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर। ओके, तो ये भी प्योर एनसीईआरटी है। हम जब नाइट्रोजन साइकिल पढ़ते हैं तो वहीं पे लास्ट में लिखा गया है द डी नाइट्रिफिकेशन इज कैरिड आउट बाय द बैक्टीरिया स्यूडोमोनास एंड थायोबेसिलस, यानी जो स्यूडोमोनास और थायोबेसिलस बैक्टीरिया होते हैं वो डी नाइट्रिफिकेशन करते हैं। तो इसीलिए हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी, डी नाइट्रिफिकेशन। प्योर एनसीईआरटी है, आपको बता दिया कि एनसीईआरटी पे फोकस कीजिए क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आए हैं। इस यूनिट के अंदर जो नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, उसमें नीट 2019 के अंदर एक भी क्वेश्चन नहीं आया, बट 2018 के अंदर नीट हुआ था तो वहाँ से जो फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स है वहाँ से 2 क्वेश्चन आए थे। ओके, बट 2019 में इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। बट जो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स है, अगला जो चैप्टर आता है वहाँ पे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स है, वहाँ से जो है वो 2 क्वेश्चन आए हैं। तो अब हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स जो चैप्टर है उससे क्वेश्चन करें। सबसे पहले है द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट द फर्स्ट इरिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज कैटलाइज्ड बाय, यानी जो हम ग्लाइकोलाइसिस पढ़ते हैं तो सबसे पहला जो उसमें रिएक्शन होती है वो क्या होती है, जो ग्लूकोज होता है वो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पे एक ATP खर्च होती है, ATP से बन जाता है ADP। तो यहाँ पे ये पूछा गया है जो किस कौन इसको कैटलाइज करता है। ओके, तो यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है उसका नाम पूछा गया है। सबसे पहले इन्होंने ऑप्शन दिया हेक्सोकाइनेज, एनोलेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज या एडोलेज। तो यहाँ पे जो है ये भी प्योर एनसीईआरटी है। यहाँ पे लिखा गया है एनसीईआरटी के अंदर द ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर फॉस्फोराइलेशन टू गिव राइज टू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बाय द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम हेक्सोकाइनेज। यानी यहाँ पे जो एंजाइम होता है वो कौन सा होता है, हेक्सोकाइनेज होता है, जो ग्लूकोज को ग्लूकोज 6-फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट करता है। तो ये भी प्योर एनसीईआरटी ही क्वेश्चन है। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स से नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया हुआ है रेस्पिरेटरी क्वाटेंट, यानी आरक्यू वैल्यू ऑफ द ट्राइमाल्पिटिन इज। तो ट्राइपाल्मिटिन की जो है वो आरक्यू वैल्यू बतानी है। आरक्यू वैल्यू क्या होती है, आरक्यू होता है आपका CO2 / O2।
ओके, यानी जितना कार्बन डाइऑक्साइड इवोल्व हुआ है और कितना जो है वो ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ है, तो CO2 अपॉन में O2 जो है वॉल्यूम उसको हम देते हैं। तो ये भी प्योर NCERT, जब हम बिल्कुल लास्ट में चले जाते हैं रेस्पिरेटरी क्वाटेंट के अंदर, तो वहाँ पे जो है येलो के अंदर ट्राईमालपेटिन के लिए स्पेशल लिखा हुआ है, तो ट्राईपालमिटिन के लिए जो RQ वैल्यू आती है वो आती है आपकी 0.7। कितनी आती है? 0.7 वैल्यू आती है, प्योर NCERT क्वेश्चन है। इस यूनिट के अंदर जो हमारा 5th चैप्टर आता है वो आता है हमारा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस चैप्टर से भी दो क्वेश्चन आए हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन आया है वो फोटो पीरियड पे बेस है। यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ फोटो पीरियड नेसेसरी फॉर इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग इन प्लांट्स, यानी फोटो पीरियड के अंदर कौन सी साइट ऑफ परसेप्शन है जिसकी वजह से जो वो प्लांट के अंदर फ्लावरिंग इंड्यूस होती है। तो यहाँ दिया गया है क्या पल्विनस होती है या सूट एपेक्स लीव्स या लेटरल बड्स, तो ये भी प्योर NCERT है। जब हम फोटो पीरियडिज्म के अंदर जब हम जाते हैं तो वहाँ पे फोटो पीरियडिज्म की डेफिनेशन लिखी हुई है बिल्कुल लास्ट के अंदर, उसी के नीचे जो है NCERT में साफ साफ लिखा गया है द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट एंड डार्क ड्यूरेशन आर द लीव्स। जो साइट ऑफ परसेप्शन होती है फोटो पीरियड के अंदर वो क्या होती है? लीव्स होती है। इट हैज़ बीन हाइपोथाइज्ड दैट देयर इज ए हॉर्मोनल सब्सटेंस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लावरिंग। तो यहाँ पे जो साइट ऑफ परसेप्शन होती है फोटो पीरियड के अंदर वो लीव्स होती है। ओके, तो ये प्योर NCERT का क्वेश्चन है और NCERT से ही उठाया गया है। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से ही जो सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया वो है इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम फॉर पाइनएपल प्लांट्स टू प्रोड्यूस फ्लावर्स, विच कॉम्बिनेशन ऑफ हॉर्मोन्स कैन बी अप्लाई टू आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड फ्लावरिंग इन पाइनएपल प्लांट्स थ्रू आउट द ईयर टू इंक्रीज यील्ड्स। यानी पाइनएपल के अंदर जो है वो टाइम लगता है फ्लावर को प्रोड्यूस होने में, तो हम कौन से जो आर्टिफिशियली हॉर्मोन्स वहाँ पे दे सकते हैं जिसकी वजह से जो पाइनएपल के अंदर पूरे साल जो है वो फ्लावर लगते रहें। तो यहाँ पे ऑप्शन है क्या जिबरलिन या साइटोकाइनिन, जिबरलिन एंड एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनिन एंड एब्सिसिक एसिड, एंड डी है ऑक्सिन एंड इथाइलिन। तो ये भी प्योर NCERT के अंदर है। जब हम ऑक्सिन हॉर्मोन पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी आता है दैट ऑक्सिन प्रमोट फ्लावरिंग एग्जाम्पल इन पाइनएपल, यानी पाइनएपल के अंदर जो है ऑक्सिन जो है वो फ्लावरिंग को प्रमोट करता है। ओके, तो ऑक्सिन हॉर्मोन तो होगा, वैसे तो आंसर आ जाता है, मगर और अगर कोई ऐसा ऑप्शन आ जाए तो देखिए इथाइलिन के अंदर भी साफ साफ लिखा हुआ है ओके दैट इथाइलिन इज यूज टू इन्फ्लुएंस फ्लावरिंग एंड फॉर सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट इन पाइनएपल। तो जो आपका इथाइलिन होता है वो भी फ्रूट सेट को सिंक्रोनाइज करने में और फ्लावरिंग को इंड्यूस करने में मदद करता है पाइनएपल के अंदर। ओके, तो ऑक्सिन और इथाइलिन जो है हॉर्मोन्स वो हम यूज कर सकते हैं पाइनएपल के अंदर। ये भी प्योर NCERT का ही है। ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप ऐसी और वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।